हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर के जेई मेन के क्वेश्चन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है एओडी का फर्स्ट प्रॉब्लम है, द मैक्सिमम वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन हैविंग स्लेंट हाइट 3 मीटर। आइए देखिए, तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं छोटा सा ऐसे। ये एक राइट सर्कुलर कॉन हो गया हमारे पास, ठीक है, और हमें गिवन है ये हाइट 3 है। तो ये स्लेंट हाइट को फिक्स रखते हुए मैक्सिमम कितना वॉल्यूम हम कवर कर सकते हैं ये देखना है। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ आर ये वाली लेंथ है और एच ये वाली लेंथ है, करेक्ट। दोनों वेरिएबल है ये यहाँ पे। इसी तरह से ये एंगल भी वेरिएबल होगा अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कोन बनाऊंगा तो ऐसे में देखो इस एच को, अगर इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं तो दिस एच कैन बी रिटन 3 cos θ एंड दिस आर कैन बी रिटन 3 sin θ। तो अगर इन दोनों को यूज करें तो इस वी को हम थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/3 π आर स्क्वायर और एच दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा एक, तो वो 3 का जो क्यूब है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, 1 3 उसमें से, और फिर भी 3 का स्क्वायर तो बच ही जाएगा, और बच जाएगा आर स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा साथ में कॉस थीटा। तो बच्चों ये फंक्शन हो गया वी इन द फॉर्म ऑफ थीटा। मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाना हो हमें तो हम dv/dθ निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो वो देखो कितना आएगा, ये 9π को तो मैं बाहर रख देता हूँ, ओके। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 2 sin θ cos θ, 1 cos θ पहले से है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर हम साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा का तो वो बनेगा -sin θ, तो यहाँ पे sin³θ हो गया, ओके। अगली स्टेप में मैं ऐसा करता हूँ, 9π अपनी जगह है ही, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए पूरा इसको ही कॉमन ले लीजिए, ये जो क्वांटिटी है, तो sin θ और cos²θ को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ रह गया बाकी देखो 2, ठीक है, और यहाँ बच्चों रह गया 10²θ, ओके। अब देखो ये dv/dθ 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो या ये 0 हो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप थीटा को 0 ले लोगे या 90 ले लोगे तो ये जो कोण है ये खत्म हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो थीटा मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच में है। सो एकमात्र पॉसिबिलिटी यहाँ से आपको मिलती है कि 10θ का वैल्यू होना चाहिए कितना, √2, तब ये 0 होगा और आपको मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा, उसके लिए आप चाहें तो एक बार और डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके देख सकते हो। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो, देखो ऐसे अगर मैं थीटा की वैल्यू लेता हूँ 10 inverse √2, तब तो आपको दिख ही रहा है कि ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर मैं थीटा की वैल्यू, देखो ये दोनों टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू अगर आप 10 inverse √2 से ज़्यादा लोगे तो 10θ की वैल्यू बढ़ जाएगी 2 से, 10²θ की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव मिलेगी। कम लेने पर ये टर्म पॉजिटिव होगी, और जब डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो वहाँ हमको क्या मिलता है, मैक्सिमा, यानी ये पॉइंट ही आपको मैक्सिमा देगा। ये है बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है उसके दाएं बाएं साइन देखिए, अगर उसके पहले पॉजिटिव है डेरिवेटिव का साइन, बाद में नेगेटिव हो गया तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो वो मिनिमा का पॉइंट है। तो मुझे पता लग गया कि थीटा की वैल्यू 10 inverse √2 होनी चाहिए, ओके। अब 10θ अगर √2 है बच्चों तो sin θ क्या होगा और cos θ क्या होगा, ये देख लो जल्दी से, ये तो सभी लोग बता सकते हैं भाई, ठीक है। sin θ कितना हो जाएगा, √2/√3, सही है, और cos θ क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ऐसे में वॉल्यूम पता करना ना आपको, वॉल्यूम v बराबर हो गया कितना आया था देखो फाइनली, 9π
इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2/3, ओके, इंटू कॉस थीटा यानी कि 1/√3। 3√3 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2π/√3 ये बचेगा आपके पास। तो यही आपका आंसर है, 2π/√3। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्या है, इफ थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन देन टेन थीटा इज इक्वल टू, ये बेहद आसान सा सवाल हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, देखो y बराबर टेन माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर 2+x2, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, आमने सामने से y की वैल्यू कैंसिल आउट कर दो दोनों में, यहाँ से y निकाल के इधर डाल दिया तो ये मिला, इससे आपको देखो कितना मिला, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई, 2x2 = 8, तो x2 = 4, तो बच्चों x का वैल्यू आ गया +-2। घबराने की जरूरत नहीं है, कर्व सिमेट्रिक है ना, तो जैसा सिचुएशन x = 2 पे होगा ठीक वैसा ही x = -2 पे भी होगा, तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो बस आप, तो वही काफ़ी है। तो मैं ले रहा हूँ वैन x = 2, इस पर बात कर लेते हैं। पहले कर्व से dy/dx यानी टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, आएगा -2x यानी कि -4। दूसरे कर्व से dy/dx निकालोगे तो आएगा +2x यानी कि 4, ये इस वाले से, ये इस वाले से। तो ये पहले कर्व की टेंजेंट का स्लोप है, ये दूसरे कर्व की टेंजेंट का स्लोप है इस पॉइंट P पर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, जब दो कर्व ऐसे काटते हो तो ये जो पॉइंट बनता है P, इस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट के बीच में जो एंगल आता है थीटा, तो दोनों टेंजेंट का स्लोप आपको पता है, दो लाइन का स्लोप पता हो तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हम, तो उसका फॉर्मूला हो गया tan θ = यानी mod tan θ = mod of m1 - m2 / 1 + m1 m2, ये फार्मूला होता है बच्चों, आई थिंक सबको पता होगा। m1 - m2, इसमें से इसको घटाओ कितना आया ऊपर 8, दोनों को गुणा करो -16 हो गए, और 1 - 16 करोगे तो 15, माइनस के 15 है, मॉड लगाए रखा है, खैर निपटा देंगे बाद में, कुल मिला के 8/15 हो गया। तो भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमसे, m1 - m2 1 - m1 m2 और 1 + m1 m2, तो 4 और -4 8 हो गया, -16 और +1। आई थिंक बच्चों इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है ये थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग एरर है, ये 8/15 ही है और यही करेक्ट आंसर था जैसा मुझे याद है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द कर्व। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फंडा समझ लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है दो कर्व के बीच में वो हमेशा कॉमन नॉर्मल पे लाई करती है, याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। खैर यहाँ दो कर्व नहीं है, एक कर्व है और एक पॉइंट है, वाई बराबर रूट एक्स, आप लोग जानते हो ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, और 3/2, 0 ये पॉइंट हो गया ऐसे, तो इस पॉइंट की इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो कहाँ मिलेगी आपको, एक ऐसे लाइन पे मिलेगी जो यहाँ से पास होती हो और इस कर्व के ऊपर नॉर्मल हो, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व का नॉर्मल ढूंढेंगे जो यहाँ से पास होता हो। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है पी, इस कर्व पे आपको पॉइंट मानना हो, क्या मानोगे, t, √t, ठीक है ना भाई, y = √x है ये कर्व, तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर dy/dx निकालोगे तो कितना आएगा, 1/2√x यानी 1/2√t हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन अगर हम लिखें यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई y - √t = x - t, और स्लोप क्या होगा नॉर्मल का, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव, ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2√t ऐसे। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये नॉर्मल यहाँ से पास होता है 3/2, 0 से, तो इट पासिस थ्रू 3/2, 0, तो इसमें डाल दो y की जगह 0 डाल दो, तो इधर ये हो गया, x की जगह
3/2 डाल दो। देखिए रूट टी से रूट टी और माइनस से माइनस खत्म हो गया, यहाँ वन बचा, फिर भी इसको इधर ले आओ तो इधर हाफ हो गया, हाफ इज इक्वल टू 3/2 माइनस टी, तो टी का वैल्यू हो गया बच्चों 1। ठीक है, तो टी का वैल्यू 1 हो गया, तो ये पॉइंट पी क्या हो गया, ये 1-1 हो गया। तो 1-1 की 3/2 0 से डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी आएगी, 1 - 3/2 कितना हो गया हाफ, हाफ का स्क्वायर करो 1/4 प्लस 1 - 0 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने सिंपल सा, तो ये आ रहा है बच्चों √5/2। तो ये रहा √5/2 आपका आंसर। ओके, तो याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ मिलेगी, नॉर्मल के ऊपर। अगर दो कर्व है तो दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है वो ढूंढिए, एक कर्व और एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से पास होने वाला नॉर्मल ढूंढ लीजिए। द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट ढूंढनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, तो लाइन लिखने के लिए स्लोप और चाहिए होगी अपने को, तो स्लोप अपन कैसे निकालेंगे, dy/dx से। क्या आएगा dy/dx का वैल्यू, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो करो इसका डिफरेंशिएशन, x का करेंगे तो 1 और ये e^x² एज इट इज प्लस x एज इट इज, और इसका करेंगे e^x² × 2x, कुल मिला के e^x (1+2x²) ये बना। एट पॉइंट P निकालना मुझे, यानी जब x का वैल्यू क्या हो 1, तो dy/dx का वैल्यू आएगा बच्चों 1 डालो इसमें, e हो गया, ये 3 हो गया 3e, तो टेंजेंट का स्लोप तो है 3e, है ना, और वो पास होती है इस पॉइंट से, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, देखो 3e स्लोप वाली लाइन लिखनी है तो ऐसे लिख ले y - 3e x, हो गया इसका स्लोप 3e। 1, e से पास कराना है तो इसमें पुट करो, यहाँ 1 पुट करोगे तो 3e, और e - 3e कितना हुआ, माइनस का 2e, तो मैं इसमें +2e कर देता हूँ तो और बराबर में लिख देता हूँ 0, तो ये हो गई लाइन। अब ये कौन से पॉइंट से पास होके जा रही है, तो पॉइंट उठा के इसमें पुट करके चेक कर लो, तो क्या है 3, 6e से गुजरती है, देखो यहाँ 3 डालो यहाँ 6 डालो तो ये हो गया 9e, और ये हो जाएगा 8e, तो नहीं पास होती है। यहाँ 4/3 पुट करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 4e, है ना, और ये हो गया 2e, 2e और 2e, 4e, 4e में से 4e गए 0, तो ये है भैया वो पॉइंट जहाँ से ये पास होती है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलॉन्ग द कर्व गिवन बाय y - x^3/2=7, अ सोल्जर पोजिशन एट द पॉइंट 0.5, 7 एंड वांट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, देन फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो खैर ये कहानी जो है वो तो आप समझ ही गए हो, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस कर्व की इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। आइए देखिए, देखो इस कर्व को भैया होली हेलीकॉप्टर जो है इस कर्व पे आ रहा है, ऐसे ये कर्व है, ये कोई सैनिक यहाँ खड़ा हुआ है, तो मिनिमम डिस्टेंस पे ये गोली मारना चाहता है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट है ए 0.5, 7, इसके ऊपर एक पॉइंट पी है जो तुम मान सकते हो t, 7+t^3/2, ऐसे वही कॉन्सेप्ट है। मिनिमम डिस्टेंस कहाँ आती है, नॉर्मल के ऊपर, तो ये नॉर्मल है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो नॉर्मल को लिखने के लिए अपने को स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इसका स्लोप क्या है, देखो dy/dx अगर मैं निकालूँ यहाँ पे dy/dx, तो यहाँ से y बराबर है 7 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, x^3/2 का हो गया बच्चों 3/2 √x, सही है। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p, p पे स्लोप क्या है नॉर्मल का, तो वो जाएगा -2/3 √t, सही है, इसका उल्टा करके माइनस से गुणा कर दो। अब यही बराबर होना चाहिए लाइन AP के स्लोप के, क्योंकि यही तो है वो नॉर्मल, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AP, तो इस कॉन्सेप्ट को लगा दो यहाँ पे। AP का स्लोप कितना हो गया, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 3t^3/2 तो ऊपर, और यहाँ नीचे हो गया t - 1/2। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ तो मिला -2t + 1
सामने हो गया बच्चों 3t स्क्वायर, सबको एक जगह कर लो, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0, और इसके दो फैक्टर हो जाएंगे अब आपके पास, एक 3t के साथ एक t के साथ, 1 और 1 प्लस और माइनस, तो कुल मिला के t का वैल्यू आया बच्चों 1/3 और माइनस 1, माइनस 1 तो छोड़ दो क्योंकि हमें x का केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो t का वैल्यू 1/3 हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट अपना, चलो इस पॉइंट को छोड़ो, हमें तो डिस्टेंस से मतलब है, ए पी डिस्टेंस पे आता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, कितनी हो जाएगी टी माइनस हाफ का स्क्वायर और प्लस, इसमें से इसको घटाओ तो टी पावर 3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो टी क्यूब। चलो जी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, टी का वैल्यू 1/3 पुट करो जल्दी से, तो देखते हैं क्या मिलता है आपको, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, देखिए हाँ टी का वैल्यू 1/3, यहाँ डालो 1/3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/6, स्क्वायर करोगे 1/36 प्लस टी क्यूब 1/27 हो गया ये। ओके तो 27 और 36 तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना है, ये बेसिकली 29 × 4 है और ये 9 × 3 है, तो 9 × 4 × 3 यही हो गया एलसीएम। तो देखो बच्चों यहाँ हो गया 3 और प्लस का यहाँ हो गया 4, तो कुल मिला के देखिए क्या हुआ, 9 और 4 ये तो बाहर निकल जाएंगे, तो 1/6 होके बाहर निकल गया, अंडर रूट में बच गया आपके पास 7/3। तो देखते हैं इस फॉर्मेट में कोई आंसर है, ये रहा तो यही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों अब ये नेक्स्ट सवाल देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। फंक्शन गिवन है अपने को और इस सेट के ऊपर मुझे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इस सेट से पहले मुझे x की वैल्यू की जानकारी मिलेगी कि मुझे किस इंटरवल में बात करनी है, तो चलो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 0, सही है, फैक्टर करो इसके दो नंबर बताओ भाई, मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, ऐड करें तो 11 आ जाए, 6 और 5, सही है। तो x माइनस 6 और माइनस, हाँ सही है, और x माइनस 5, तो इससे आपको मिल गया ये 5 ये 6, यहाँ पे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी प्लस माइनस प्लस, तो ये पोर्शन यानी जब x का वैल्यू 5 से लेके 6 के बीच में, तब मुझे पता करना इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मैक्सिमा निकालना। मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ जल्दी से, देखो कितना आएगा, 9x² माइनस 36x प्लस 27। बच्चों कॉमन आता है यहाँ से 9, तो बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 3, इसके दो हो जाते हैं फैक्टर, x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है, यानी कि ये कैसा होगा डेरिवेटिव, 1 और 3 के बीच में पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ऐसे मुझे चेक करना, देखो 5 से 6 के बीच में, 5 और 6 इधर आएंगे, उल्टा लिख दिया ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा भाई, तो 5 से 6 इधर आएगा, तो इसका मतलब 5 से 6 में ये कैसा है, पॉजिटिव है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, लास्ट में यानी 6 पे, तो 6 पे जो वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम होगी। तो अब आप क्या करो, एफ ऑफ 6 निकाल लो, सो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ ऑफ 6, तो कितना आएगा देखो, एफ ऑफ 6 यहाँ पुट करो 6, तो ये हो गया 6 का क्यूब 3 × 6 माइनस 18 × 6² प्लस 27 × 6 और माइनस 40। ये मैं अभी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लेंगे एक साथ, पहले थोड़ा इजी बना लेते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ ध्यान से देखो, दोनों जगह से 6 का क्यूब कॉमन आता है, आता है कि नहीं आता है ना, यहाँ तो रह गया 3। ओके ध्यान से देखिए, ये क्या, ये 6 × 3 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधे इससे, जरूरत ही नहीं पड़ी कैंसिल मतलब कट करने की इसको। यहाँ से देखिए क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल 2 तो कॉमन आ ही सकता है, यहाँ 27 × 3 बचेंगे, तो 27 × 3 कितने हो गए भाई, 81 और यहाँ कितना रह गया 20, तो 81 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो 61 को, 2 से गुणा करो तो 122 है क्या ऑप्शन में, ये रहा, तो यही आपका आंसर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो ये एफ एक्स है,
करना क्या है ये ऑप्शन में पता चलेगा। ओके, ये देखना है कि फंक्शन कब डिक्रीजिंग है कब इंक्रीजिंग है। एफ एक्स इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? देखो कंटिन्यूस तो है ना, ऑब्वियसली बात है। ये टर्म डिनोमिनेटर ये कभी जीरो नहीं बनेगा ना, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम स्क्वायर क्वांटिटी का, नहीं ये जीरो बनेगा। तो एक्स की हर वैल्यू पर डिफाइन होगा तो कंटिन्यूस तो है, तो डेफिनेटली ये तो गलत हो गया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है बच्चों, एफ डैश एक्स निकालो। अब सुनना ध्यान से, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। पहले एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं वन, और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रह गया, फिर प्लस। अब ये एक्स एज इट इज, देखिए वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मुझे करना है डिफरेंशिएशन, तो वो क्या आएगा? तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ हो गया, तो आपको मिलेगा माइनस हाफ और इसकी पावर माइनस थ्री बाई टू, यानी यहाँ नीचे आके बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू लिख देते हैं ऐसे हटा के। अंडर रूट का क्यूब लिखना चाहो वो भी लिख सकते थे। फिर बेटा इसका अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होके मल्टीप्लाई होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स, तो उसको यहाँ गुणा करोगे तो टू खत्म होके और एक्स यहाँ गुणा हो गया, ऐसा कुछ बन गया ये। देखो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मतलब अगले पार्ट को हम डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा। तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, है ना, और यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन फाइनली। अब है ना यहाँ देखो इस टर्म को देखो तो आप क्या पाओगे कि इस टर्म में देखो ए की जगह तो बी है ना, और एक्स की जगह है डी माइनस एक्स, तो पहले तो माइनस का साइन, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीधे सीधे, मैं ए की जगह तो बी डाल देता हूँ और नीचे हो गया बी स्क्वायर, एक्स की जगह मुझे रखना पड़ेगा डी माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी ख़त्म नहीं हुई है बात, उसकी पावर थ्री बाई टू। और फिर देखो आपने एक्स की जगह डी माइनस एक्स रखा है ना, तो ये लीनियर फंक्शन है, तो डी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई होगा और वो हो गया माइनस वन। ये माइनस वन जब गुणा होगा यहाँ पे तो ये बना देगा प्लस। और अब ध्यान से देखिए, हर एक क्वांटिटी स्क्वायर की फॉर्म में है तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये सारा टोटल जो है ये पक्का पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट पे। द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड अदर टू वर्टिसेस ऑन द पैराबोला वाई बराबर 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है इस तरह से, ठीक है, और ये बिल्कुल बीचों बीच इसके y एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट 0, √12 यानी कि 2√3। तो ये कह रहा है कि एक हमें ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका बेस तो यहाँ हो और बचे हुए दो वर्टेक्स, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा ऐसे, ये रेक्टेंगल हो गया बच्चों। इस रेक्टेंगल का क्या करना, मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना। देखो ऐसे करेंगे, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट मानूँ मैं यहाँ पे, तो ये ऐसे मान लूँ मैं एक्स कॉमा 12 माइनस एक्स स्क्वायर पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो अब इसी बात है, ये कितना हो गया, ये माइनस एक्स कॉमा 12 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स, ये दूरी भी एक्स, तो इस रेक्टेंगल का विड्थ हो गया अपने पास 2x, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हो गया 2x इनटू हाइट कितनी हो गई ये इसके वाई कोऑर्डिनेट यानी 12 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प ले लो भैया, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम अंदर गुणा कर लो इसको, 12x का डिफरेंशिएशन 12 हो गया और x क्यूब का हो गया माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर आप देखें इसको तो 3 को कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो ये हो गया बाहर आके 6 और ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट कैन बी रिटर्न एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और साथ में एक माइनस का साइन, ठीक है। तो ये नंबर लाइन और थोड़ा ऊपर लेके जगह बनाते हैं और आगे आ जाओ देखो, है ना, तो ये माइनस टू ये प्लस टू जीरो जीरो, और चूंकि ये माइनस है ना तो माइनस प्लस माइनस ऐसे साइन आएंगे। तो आपको चाहिए था मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, जहाँ डेरिवेटिव प्लस से माइनस में बदल रहा है यानी यहाँ पे। तो एक्स बराबर 2 डाल दो आपको, तो ए मैक्स इज इक्वल टू एरिया वेन एक्स इज इक्वल टू 2 बराबर, यहाँ पे 2 पुट करो, ये हो गया 4 और 12 में से 4 गए तो भैया 8 और 8 को 4 से गुणा किया तो 32, ये आंसर। ओके, तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
इफ दे डिड दिस देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो भी बहुत आसान है। आ जाओ देखो यहाँ से शुरू करते हैं सवाल को, आपको दिख भी रहा होगा वेरिएबल पावर वेरिएबल है ना, लॉग ले लो दोनों साइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग लेके देखो, लॉग ऑफ 2x है ना टू द पावर 2y, तो बाहर आके ऐसे हो गया 2y बराबर, इधर लॉग लूंगा तो ऐसे बनेगा लॉग 4 है ना, और प्लस लॉग और e की पावर 2x माइनस 2y ऐसे। तो पहली बात तो ये e और log तो कट जाएंगे यार, 2x माइनस 2y बचेगा, और ये 4 है ना इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर और इस 2 को बाहर ले आता हूँ, तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, मैं सब जगह से 2 काट सकता हूँ और मुझे मिला y log 2x बराबर log 2 प्लस x माइनस y। ये एक इक्वेशन अपने को एक्स वाई की फॉर्म में मिल गई। अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इससे हमें क्या डिफरेंशिएशन मिलता है। आ जाओ देखो, y का डिफरेंशिएशन करोगे dy by dx log 2x एज इट इज, प्लस y को एज इट इज रखा log 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1/2x इंटू 2, कैंसिल आउट हो गया, सामने आ जाओ, log 2 का 0 हो गया, x का 1 हो गया और y का dy by dx हो गया। dy by dx एक तरफ कर लो, इसको उठा के इधर ले आओ तो आपको मिलेगा dy by dx और इसके साथ में हो जाएगा 1 प्लस log 2x, ठीक है, और इसको उधर ले जाओगे तो सामने हो गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 1 प्लस log 2x का स्क्वायर करना है। देखो ये तो आ गया है, इसका स्क्वायर करना आपको, तो आप क्या करो इससे मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों साइड, तो 1 प्लस log 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log 2x मल्टीप्लाई विद x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और अब मैं इसको गुणा करके देख लेता हूं क्या आता है, बस वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और ये ऑप्शन रहने देते हैं, इसको तो मैच करना ही अपने को, ठीक है भाई। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नीचे तो ये एक्स ही रहना है, एक इसको गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे आएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स लॉग टू एक्स माइनस वाई लॉग टू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इसको यूज करने की टाइम आ गया है, x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई का वैल्यू, मैं इस ऑप्शन को नहीं मिटाना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ रखते हैं ताकि चेक कर सके हम किस पैटर्न में लाना, इधर ले आओ इसको, नीचे तो x है ही, x माइनस वाई का वैल्यू बच्चों यहाँ से आएगा y log 2x माइनस लॉग टू, ठीक है, और प्लस एक्स लॉग टू एक्स और माइनस के वाई, ये देखो ये माइनस का वाई लॉग टू एक्स जो है ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये बच गया एक्स लॉग टू एक्स माइनस के लॉग टू अपॉन एक्स, ये रहा, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो कोई दिमाग लगाने जैसी कोई विशेष बात थी नहीं यहाँ पे, सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करना था, जैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों को सिखाते हैं। आगे आ जाइए, पैराबोला की ऐसी टेंजेंट जो इसके पैरेलल है कौन से पॉइंट से पास होती है, तो ये कितना आसान हो गया, देखिए पैराबोला की टेंजेंट का स्लोप बोलो क्या होता है, ठीक है, तो स्लोप होता है भाई डी वाई बाई डी एक्स, और वो यहाँ से आप निकालोगे तो आएगा 2x माइनस 5 और वो इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना है 2, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 7/2, यानी पॉइंट P क्या हो गया, पॉइंट पी जहाँ पर ये टेंजेंट आप बना रहे हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 7/2 और वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है, तो डाल दो इसमें 7/2 और देखो वाई का वैल्यू कितना आता है, तो 7/2 में अगर यहाँ पुट करता हूँ बच्चों, रफ कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, देखो 49/4 माइनस 35/2 और प्लस के 5, सही है, तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ मैंने 4 ले लिया है तो ये हो गया 49 माइनस 70 प्लस 20, ओहो ये तो 1/4 आ गया माइनस का, ये लो जी खत्म कैलकुलेशन। ये एक भ्रम हुआ था इसको देख करके, है ना, कोई नहीं, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे इतने स्लोप की टेंजेंट आपको लिखनी है, तो वो आप क्या लिखेंगे, देखो
या ऐसे समझ लो इसके पैरेलल लिखनी है ना, तो ये एक्स और वाई वाली चीज़ तो सेम ही रखनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, या चलो छोड़ो यार, टू स्लोप लिखना है ना, वाई बराबर टू एक्स, और अब इस पॉइंट से पास होनी चाहिए ये, या वाई माइनस टू एक्स करो ऐसे, बराबर में क्या डालूँ मैं, तो ये पॉइंट डाल दो यहाँ पे, देखो वाई का वैल्यू क्या माइनस वन बाई फोर और एक्स का वैल्यू है सेवन बाई टू, तो यहाँ रखोगे तो माइनस सेवन, ये लाइन हो गई। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा चाहो तो, चार से गुणा करना चाहो चार से गुणा कर लो, ऐसे हो जाएगा फोर वाई माइनस के एट एक्स, ये कितना हो गया सात चौक अट्ठाईस और एक उनतीस, तो प्लस के ट्वेंटी नाइन बराबर जीरो। अब ये पॉइंट उठाओ एक एक और इसमें पुट करो और चेक कर लो कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। देखो जैसे पहला पॉइंट है, एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई एट डालो यहाँ पे, प्लस वन हो जाएगा, सेवन डालोगे अट्ठाईस और उनतीस और उनतीस से तो ऐड हो गए ना, तो ये नहीं है सही आंसर। इसका अपोजिट साइन वाला है क्या कोई? ये रहा, ये पक्का सही है, क्योंकि ये वन बाई एट यहाँ डालूंगा माइनस वन होगा, ये डालूंगा माइनस अट्ठाईस, जुड़ के जीरो हो जाएगा उनतीस के साथ, है ना। तो पहला सही नहीं हुआ, तीसरा सही हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल चॉइस सवाल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलेवन। इफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग इन 0,1 एंड डिक्रीजिंग इन, देखो पॉलिनोमियल है ना, कह रहा है 0 से 1 में इंक्रीज करा और फिर डिक्रीज कर गया, तो भैया इसका मतलब 1 पे क्या आ गया, इसका मैक्सिमा, तो 1 पे डेरिवेटिव इसका 0 होना चाहिए, ये कंडीशन लगा देते हैं। तो एफ डैश 1 है ना, वो 0 होना चाहिए, पहली बात लगा दो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 2x और प्लस 3a, इसका वैल्यू x बराबर 1 पर 0 आना चाहिए। इसमें से पहली बात तो 3 कॉमन आ जाता, बच्चे में 1 डाल दो, 1 माइनस 3 चला गया तो 2 टाइम a माइनस 2 प्लस a बराबर 0, ये 3 तो हटाओ यहाँ से, ये कितना हो गया देखो माइनस के 2a प्लस का a और दो 5 माइनस a, 3 गुणा 5 माइनस ए बराबर 0, सीधी सी बात है a का वैल्यू आ गया 5। अब आगे क्या करना है वो पढ़ लें, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। पहली बात तो a का वैल्यू 5 डालो, देखो इसमें सीधे मैं इस पे आ रहा हूँ, इस क्वांटिटी पे एफ एक्स, तो एफ एक्स में a का वैल्यू क्या डालो 5, तो आपको ऐसे मिलेगा एक्स क्यूब, 5 में से 2 गया 3, तो माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 15x और प्लस के 7 माइनस के 14, तो क्या बचा माइनस के 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, हिंट मौजूद दे दिया उन्होंने, कितना आसान ना, फैक्टर में बिना देखे बता दूँ, इसके दो फैक्टर तो पक्का एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ही आएगा, यही आएंगे, और जब दो ही आएंगे ना तो तीसरा मैं इसको देख के बता सकता हूँ, माइनस वन गुणाओं के प्लस वन हो गया, माइनस का 7 चाहिए तो एक्स माइनस 7 ऐसे आएंगे। तो मैं भी क्या लिख देता हूँ, ये तो 0 है भाई, बस x नॉट इक्वल टू 1 है, तो वो ये कट दो, 1 नहीं है x, ये 0 कब होगा जब x का वैल्यू होगा 7, ये रहा आपका आंसर। फैक्टर आप करके देख लेना, यही बनेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, फिर से वही कहानी, ये कर्व है y स्क्वायर बराबर x माइनस 2, कुछ इस टाइप का कर्व हो गया, ये लाइन हो गई, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें। देखो कहाँ मिलेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उस जगह जहाँ पे दोनों का नॉर्मल सेम होगा, तो यानी ये इसका भी नॉर्मल है, इसका भी नॉर्मल है ना। देखो बच्चों इसका स्लोप क्या है 1, नॉर्मल का हो गया माइनस 1, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी 1 हो गया, तो ये वो पॉइंट है इस पे जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, देखो 1/2y, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी वाई का वैल्यू हो गया बच्चों हाफ, वाई का वैल्यू हाफ इसमें डाल दो आप, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 9/4, तो ये पॉइंट पता लग गया हमको, ये है 9/4, 1/2, ठीक है। अब इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस निकालनी, तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना डायरेक्ट, वो लगा लो, ये लाइन जो है ये एक्स माइनस वाई बराबर 0 ही तो है, तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस यानी एल बराबर क्या होता है, इस पॉइंट को उठा के लाइन में डाल दो, इसका ले लो मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, कितना हो गया देखो, ये हो गया 8 बाई
इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, 2/4, तो ये हो गया 7/4, तो 7/4 और नीचे से आ गया एक √2, ये आंसर। दैट्स ऑल, अगले क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप देखिए अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो ज्यादा परेशान करने वाला हो। एफ 0 से 2 में 2 बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेकंड डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव है, ये है, तो बताओ कि 0 से 2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे देखना है फाई का। तो अगर आपको देखना है फाई का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप फाई डैश निकालिए। तो फाई डैश क्या हो गया, देखो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2 - x, ठीक है ना बच्चों। अब ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये पता करना है, तो एक काम करते हैं 0 से 2 की बात करनी है। ओके, मैं देख लेता हूं कि ये इंक्रीजिंग कब होगा 0 से 2 में, है ना, तो बचे में डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, कब होगा भाई, जब एफ डैश एक्स बड़ा होगा एफ डैश 2 - x से। सही है, मैं केवल अभी किसकी बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग कर्व के लिए, इंक्रीजिंग फाई के लिए। अब यहां मुझे एक जानकारी जो देखो ये दी हुई है, इसका रोल है क्या, रोल है भाई कि एफ डबल डैश पॉजिटिव है ना, इसका मतलब एफ डैश इज इंक्रीजिंग। और एफ डैश के आप जानते हो इंक्रीजिंग फंक्शन को कैंसिल आउट करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो अगर आप एफ डैश काटे तो आपको एक्स ग्रेटर देन 2 - x मिलेगा, इसको इधर ले आओ तो आपको एक्स ग्रेटर देन 1 मिला, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 में, फाई कैसा होगा इंक्रीजिंग, और 0 से 1 वाले हिस्से में हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब देख लो आप आंसर कौन सा सही है, डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1 एंड इंक्रीजिंग इन 1 to 2। दैट्स ऑल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ S1 एंड S2 आर रेस्पेक्टिवली द सेट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, देन स्थानीय उच्चतम बिंदुओं के समुच्चय है, तो S1 S2 निकालो, मतलब वो पॉइंट देखने जहां पे लोकल मिनिमा लेगा, वो पॉइंट जहां पे लोकल मैक्सिमा लेगा, तो उसके लिए एफ डैश निकालना पड़ेगा। फाइंड एफ डैश कितना आएगा, 36x³ - 36x² - 36 × 2 यानी कि 72x। दैट्स ऑल, कॉमन आ जाता है बच्चों सब में से, इनमें से 36 बच गया क्या, x, अच्छा x भी कॉमन आता है तो एक x भी कॉमन ले लो, बच गया क्या x² - x - 2, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे ना, x² - x - 2, तो ये हो गया x - 2 एक फैक्टर तो इसका, और एक फैक्टर हो गया बच्चों x+1, ये फैक्टर हो गए। तो अगर ये फैक्टर हो गए तो नंबर लाइन पे जब प्लॉट करोगे तो -1, 0 और 2, बाकी ±++, तो यहां मिलेगा मिनिमा क्योंकि डेरिवेटिव माइनस से प्लस में जा रहा है, यहां मिलेगा मैक्सिमा, यहां मिलेगा मिनिमा, तो मिनिमा मिलेगा -1 और 2 पे, मैक्सिमा मिलेगा 0 पे। x² ± का कुछ गलती नहीं कर दिया क्या मैंने, कर दिया ना, देखो यहां से ये प्लस का है भाई, ये प्लस का हो तो ये चिन्ह चेंज हो गया यार, तो ये इसको करेक्ट कर लेते हैं भाई हम, ये -2 है, ये +1 है, तो कौन सा सही है, -2 और 1 पे आएगा मिनिमा और 0 पे आएगा मैक्सिमा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कैलकुलेटिव एरर का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3, ये कह रहा है एक स्फीयर है ऐसे, ठीक है, और इसकी रेडियस गिवन है मुझे 3, तो इसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है ऐसे, तो ये सिलेंडर बना लिया मैंने यो मान लो, ठीक है, ये सिलेंडर का सेंटर है, यही स्फीयर का सेंटर है, आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये 3 है, तो ये मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का हम बना सकते हैं ये देखना। देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, π r² h, है ना, आर तो क्या है ये जिसके इधर देखो ऊपर की तरफ यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये आर है, और ये लेंथ इसकी कितनी होती है h, तो यहां से ध्यान दो फिर, इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, ये h/2 हो गई, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूं बच्चों, तो h/2 बराबर हो गया 3 cos θ, और रेडियस आर हो गई 3 sin θ, और ये उठा के यहां डाल दो आप, तो देखो कितना मिलेगा, h तो हो गया 6 cos θ,
ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, पाई तो अपनी जगह है ही, आर स्क्वायर करोगे ना तो 9 और एच करोगे तो 6, 9 और 6 आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, कितना हो गया ये, इसको मिटाता हूँ एक बार, 54 पाई, और आर का स्क्वायर हुआ है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में कॉस थीटा हो गया, ये बन गया बच्चों। ओके, अब आगे की बात करते हैं। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो वही मुझे डी वी बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। आपको याद हो अभी आज के ही क्लास में शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा था हमारे पास, ये सेम टर्म आई थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डिफ्रेंशिएट करने पे टेन थीटा बराबर रूट टू पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिली थी, यहाँ भी वही मिलेगी। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, डी वी बाई डी थीटा बराबर 54 पाई अपनी जगह है ही, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये मिला के स्क्वायर हो गया, इसका करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, देखो तो ये हो गया 54 पाई और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसलिए v का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब dv बाई डी थीटा जीरो होगा, ये जीरो होगा जब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट टू। तो v मैक्सिमम आएगा जब tan थीटा की वैल्यू रूट टू होगी, tan थीटा की वैल्यू अगर रूट टू होगी तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएंगे, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, बात बन जाएगी। तो v मैक्सिमम का वैल्यू आ गया 54 पाई गुणा साइन स्क्वायर थीटा, जैसा मुझे याद है रूट टू बाई रूट थ्री, ये होता है साइन थीटा, यहाँ पर तो स्क्वायर हो गया और 1 बाई रूट थ्री हो गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो देखिए कितना मिला, ये कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए है ना। अच्छा ये वैसे भी हमें पता 9 इंटू 6 था, तो 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, रूट 3 और काट देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इधर ये हो गया 2 × 4 तो 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे रूट 3, तो ये हो गया 8 रूट 3 पाई है, ऑप्शन ऐसा 8 रूट 3 पाई अधिकतम आई के। अच्छा देखो फिर गड़बड़ कर गया ना, ये पूछ क्या रहा है मुझसे, ये तो वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, हाइट पूछ रहा, हाइट कोई नहीं अब निकाल लेते हैं, हाइट हाइट कितनी है, h बराबर 6 cos थीटा है, तो और भी सिंपल है, तो दैट इज 6 बाई रूट 3। ओके, और 6 बाई रूट 3 कितना हो गया, 2 रूट 3, तो ये हाइट हो गई बच्चों 2 रूट 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे, और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, x और y गिवन है आपको थीटा की फॉर्म में, और आपको d2y by dx तो निकालना है जब थीटा का वैल्यू पाई हो, तो ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, राइट। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dx by d थीटा, तो वो देखो क्या होगा, इस टर्म को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको मिलेगा देखो 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, करेक्ट, 2 को कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। ठीक, अब आ जाओ बच्चों इधर ही चलो, है ना, dy by d थीटा निकालते हैं, dy by d थीटा, तो यहाँ आ जाइए, तो 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2 sin थीटा। ओके, और cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा, एंड दैट माइनस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस विल बिकम प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, नाउ टू फाइंड dy बाई dx, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dy बाई dx, टू फाइंड d2y बाई dx टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड dy बाई dx, एंड वॉट इज dy बाई dx, that must be equal to dy by d theta divided by dx by d theta, तो divide कर दीजिए, देखिए है ना इस term को इस term से, तो 2 तो देखिए common आके कट जाएगा बच्चों, ऊपर बचेगा sin 2 theta minus sin theta, सही है, नीचे बचेगा ये cos theta minus 2 cos 2 theta, sorry minus cos 2 theta। अभी आगे बढ़े हैं उससे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट, और उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन 2 थीटा को मैं सॉल्व करके, और यहाँ यूज कर रहे हैं इस साइन 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐसा करने के बाद
न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा बच्चों टू साइन थीटा, सॉरी, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा टू कॉस थीटा माइनस वन। सिमिलरली अब यहाँ कॉस टू थीटा को हम लिख देते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, और ऐसा लिखने से ये टर्म क्या बन जाएगी, अगर आप लिखोगे ना टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो माइनस में आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, और माइनस कॉस थीटा और माइनस वन, ऐसा बन जाएगा। अब इस टर्म के हम फैक्टर करें अगर हम, हमें मिलेगा देखिए साइन थीटा टू कॉस थीटा माइनस वन और माइनस ऑफ, यहाँ देखिए बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे टू कॉस थीटा माइनस वन, एक फैक्टर तो यही होना चाहिए है ना, और दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस वन, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इस टर्म से, तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये, राइट। अब हमें जो फाइंड आउट करना है बच्चों वो है देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट, और डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस वन, ओके बच्चों, ओके। अब हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं डिवीजन रूल इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, देखिए माइनस डी बाई डी एक्स, अच्छा आप एक काम और करना कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, इस टर्म को देखिए अगर मैं ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उससे ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, देखिए कैसे, ये माइनस तो अपनी जगह है ही, सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं इसका कर रहा हूँ, यहाँ एक्स है देखो और ये थीटा है ना, तो हम पहले इसका करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और साथ में आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, ये है चेन रूल जो मैंने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे इसको भी मैंने चेंज किया है, राइट। बेनिफिट ये देखो वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो हमें क्या है कि यहाँ डिवीजन रूल नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, और माइनस कॉट थीटा तो हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए ये डी एक्स बाय डी थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा टू टाइम कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो ये मिला फाइनली अपने को सेकेंड डेरीवेटिव। अब आप इसमें थीटा की जगह पुट कर दो पाई, पुट थीटा इक्वल टू पाई, तो आपको देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, ये हो गया माइनस ऑफ, यहाँ आ जाइए, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि देखिए कॉसेक पाई अगर हम पुट करेंगे तो वो तो इनफाइनाइट होता है, तो उसको डिफाइन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप और, राइट। और ये क्या हो जाएगा देखिए, दिस कैन बी रिटन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट, सो फाइनली वी गॉट माइनस ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू टाइम कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ऐसे, करेक्ट, और ये तो वही बात हो गई, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा कुछ ऐसा माइनस वन अपॉन टू टाइम कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, राइट, मल्टीप्लाई विद वन प्लस कॉस थीटा, ओके। और देखिए अगर हम इसमें पुट करते हैं थीटा इक्वल टू पाई, दिक्कत अभी भी भाई, इफ़ यू पुट थीटा इक्वल टू पाई तो दिस फैक्टर विल बिकम जीरो, राइट, तो ये ऐसा बन जाएगा माइनस वन अपॉन जीरो विच इज डज नॉट एग्जिस्ट,
तो ये तो गड़बड़ है ना, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसीलिए शायद बोनस किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये अपने डेटा एरर की वजह से बोनस हुआ था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने वाले, तो उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, तो पॉइंट पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो मैं पॉइंट ए हो गया 1, F1, इसमें 1 पुट करिए आप, एक्सप्रेशन यही है इतना सा, तो 1 पुट करोगे, देखो 1 - 1 - 2, तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो गए, -2 बच गया। पॉइंट बी कैलकुलेट करिए आप, -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहां -1 पुट करेंगे आपको मिलेगा -1 - 1 + 2, सो दैट विल बिकम 0। तो इन दोनों पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन है उसके पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, स्लोप का फॉर्मूला लगा दो, y2 - y1, 0 - -2 डिवाइडेड बाय x2 - x1, सो फाइनली वर्ड -1। ओके, तो इसके पैरेलल है ना, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू dy/dx, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। यहां से अगर आप dy/dx निकालें तो आपको मिलेगा -1 = 3x² - 2x - 2, सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस, तो देखते हैं कितना आता है आपको मिलेगा। देखो 3x² - 2x - 1 = 0, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, क्या क्या हो जाएंगे, देखो 3x और x और 1 और 1 और -1 और प्लस, सो फाइनली x का वैल्यू आया 1 और -1/3। ओके, हमें पूछा क्या गया है, x के उन सभी मानों का समुच्चय, तो ठीक है ये दो वैल्यू आ गई, तो कौन से ऑप्शन में है दोनों वैल्यू, ये रही फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, कि टेंजेंट का स्लोप होता dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ degree 4 हैविंग लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट एट -1, 0 and 1, देन द सेट कंटेन एग्जैक्टली। ओके देखिए बड़ा सोचने वाला पॉइंट है ना, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है यानी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है कभी भी, ठीक है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर होगा, राइट, हैविंग लोकल एक्सट्रीमम, तीन जगह उसके लोकल एक्सट्रीमा आ रहे हैं, देखो तो डेफिनेटली उसका जो ग्राफ है बच्चों वो इस टाइप का होगा, है ना। ओके, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे हो, मतलब ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, पॉलिनोमियल है तो उसमें एक्स की पावर फोर का क्या कोफिशियंट है, पॉजिटिव या निगेटिव, उसके अकॉर्डिंग ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये लोकल एक्सट्रीमा वाले पॉइंट है, यहाँ एक्स का वैल्यू -1 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 1 है, सेम कहानी उधर है। अब ये कह रहा है कि fx = f(0), देखिए f(0) ये पॉइंट जो है यही होगा 0, f(0), तो अगर मैं y = f(0) लाइन खींच दूं ऐसे, ये तो है y = f(0) की लाइन, ये ग्राफ है y = f(x), तो ये दोनों ग्राफ कब बराबर होते हैं, ये दोनों ग्राफ बराबर होंगे एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यानी टोटल मिला के इसके कितने रूट आएंगे ये मुझे चेक करना है ना, एक शून्येतर बहुपद जिसके स्थानिक हो है, तो मैं मात्र, अच्छा हमें ये भी बताना है कि 2 irrational root, 1 rational root, नंबर जो रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट की बात नहीं कर रहा, उसके रैशनल और इरेशनल होने पर भी बात करनी है। आइए देखिए कैसे करते हैं, देखिए इससे हमें सीधे सीधे ये पता लगता है बच्चों कि जो f - x होगा, f - x, या एक काम करते ना, लेट वी टेक की f - x = -1, 0 और 1, ये तीन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, तो इन तीनों पॉइंट पे f - x 0 होना चाहिए, यानी कि f - x होना चाहिए x - 1, x + 1 और x, और साथ में लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि fx 4 डिग्री है तो उसका डेरिवेटिव 3rd डिग्री होगा, तो और कोई x का फैक्टर तो होगा नहीं। ओके, तो ये है बच्चों f - x, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो लैम्डा और x³ - x है, अगर ये f - x है बच्चों तो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा लैम्डा x⁴/4 - x²/2 और प्लस c, सही है। अब आप यहां से अगर f0 निकालो तो वो आएगा c,
तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि एफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो, तो इन दोनों को बराबर डालो, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा एक्स पावर फोर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई दिस, कॉमन आ जाना, देखो एक्स स्क्वायर यहां बच जाना है एक्स स्क्वायर माइनस टू जीरो, और ये फोर है, तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिली। देखो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो से तो डबल रूट मिलेगा जीरो, और रूट टू प्लस रूट टू माइनस रूट टू, ये वैल्यू आएगी। तो ये तो खैर एक सॉल्यूशन है, और ये कैसा है रैशनल, और ये दो सॉल्यूशन कैसे हैं इरेशनल। तो अब बताओ कौन सा सही है, टू इरेशनल वन रैशनल। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चला था, तो ग्राफ से देखने की कोशिश की थी, बट हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बजाय ये भी देखना था कि सॉल्यूशन रैशनल है या इरेशनल है, इसलिए मुझे सॉल्यूशन निकालने पड़ गए। चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, फिर से वही बात, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप क्या है, ध्यान से देखिए इसका स्लोप है 1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो गया -1। ओके, तो टेंजेंट, इसके टेंजेंट का स्लोप है ये, तो इसका मतलब मुझे एक कंडीशन मिल गई कि dy by dx जो है इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पर ये होना चाहिए। ये मैं अप्लाई कर दूंगा, इससे मुझे a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, -1 बराबर, अगर आप यहाँ से dy by dx निकालते हैं आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, तो वो 3 हो गया प्लस a, करेक्ट। तो यहाँ से बच्चों a का वैल्यू आ गया -4। दूसरी कंडीशन हमें ऐसे मिलेगी कि 1, -5 पॉइंट इसके ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो -5 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस बी। ए का वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पुट कर दो, तो ये -3 हो गया, कैंसिल आउट होकर इधर -2 बराबर बच गया -b, सही है ना। -4 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा -4, तो कैंसिल हो गया भाई, बी का वैल्यू आ गया 2। कैलकुलेट क्या करना है, तो निम्न में से कौन सा बिंदु इस कर्व पे है, ठीक है ये पॉइंट उठा के यहाँ डाल दो, तो कर्व की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x -2। ओके अच्छा देखिए इसमें 1, -5 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 1 और -6 आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब ये पॉइंट आप एक एक करके चेक कर लो, इफ यू पुट x इक्वल टू 2 तो क्या y का वैल्यू -1 आएगा, तो ये कितना हो गया, देखो 2 पुट करने पर 8 -8 -2, कैंसिल आउट होके क्या है -2, तो 2 पुट करने पे -2 आएगा, तो ये आंसर सही हुआ अपना। सिंगल चॉइस है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों बात है क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, राइट, एक वाटर टैंक हमारे पास जिसका शेप कुछ इस तरह से है, राइट, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं तो मुझे गिवन है कि 10 थीटा का वैल्यू होगा 1/2, सही है, इसका थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 1/2 है। इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं और कैसे पुट कर रहे हैं, 5 m³ पर मिनट की दर से, राइट, इस रेट से इसमें पानी अंदर जा रहा है, तो इसके पानी के अंदर जाने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि एक तरह से हमें क्या गिवन है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 5 है यहाँ पे। ओके करना क्या है हमें, देन द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, ठीक है, इसमें जो वाटर का लेवल है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर वाटर लेवल है, तो ये किस स्पीड से राइज कर रहा है ये हमें देखना है। तो इसको अगर मैं एच बोल दूँ बच्चों, तो एक तरह से मुझे dh/dt कैलकुलेट करना है, ये हाइट जो है वाटर लेवल की, इसके रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है ये पता करना है। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी रेडियस को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे r मान लेता हूँ, करेक्ट, तो यहाँ आ जाओ। अब देखो वॉल्यूम जो होगा वाटर का, इसमें वो कितना हो जाएगा, 1/3 πr²h। ओके अब मुझे तो h में चाहिए ना, r तो चाहिए नहीं, तो यहाँ से r और h का रिलेशन देखो आप, r और h का रिलेशन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 10θ बराबर है बच्चों r/h के, और 10θ देखो 1/2 के भी बराबर है, तो r का वैल्यू हो गया h/2, तो वो यहाँ पुट कर दो आप, तो यहाँ h/2 पुट करोगे ना तो आपको मिलेगा πh³/12। नाउ फाइंड dv/dt, तो dv/dt होना चाहिए, देखो अब 12 तो है ही अपनी जगह, और 3h²dh/dt। ओके और अब जो है इसमें वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, ये सारी कैलकुलेशन हमें कब करनी है, ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी है जब h का वैल्यू क्या हो,
10 मीटर हो। ओके, तो चलिए डी वी बाई डी टी 5 दिया हुआ है, ये पाई है, ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो गए, 4 हो जाएगा, एच का वैल्यू है 10, तो 100 हो गए यहाँ पे, और डी एच बाई डी टी हमें कैलकुलेट करना है, तो बस यहाँ से हमें डी एच बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितना होगा, देखो 4 से इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 25 हो गया, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, यानी आपको डी एच बाई डी टी का वैल्यू मिलेगा 1/5 पाई। सो 1/5 पाई इज द राइट आंसर, ये रहा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, देन द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर द फंक्शन एफ ओ जी इज इंक्रीजिंग। ओके, देखिए मैं एफ और जी दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालू ना बच्चों, तो आएगा ई की पावर एक्स माइनस 1। ये इंक्रीजिंग कब होगा, देखो जब ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ई की पावर एक्स 1 से बड़ा होगा, और ई की पावर एक्स 1 कब होता है, 0 पे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये इसकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब जी एक्स पे आ जाते हैं, जी डैश एक्स निकालते हैं, देखो कहाँ है, ये रहा भाई 2x-1। तो ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब 2x-1 पॉजिटिव होगा, यानी कि x का वैल्यू होगा हाफ से बड़ा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब x का वैल्यू होगा हाफ से छोटा। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन का क्या होगा, अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो कंपोजिशन इंक्रीजिंग होगी, अगर दोनों डिक्रीजिंग है तो भी कंपोजिशन इंक्रीजिंग होगी, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग हुआ तो उस केस में डिक्रीज करेगी कंपोजिशन। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, देखो कौन सा फंक्शन है, एफ ओ जी इज इंक्रीजिंग, ये कब इंक्रीज करेगा पहले इसकी बात करते हैं, जब दोनों इंक्रीजिंग हो, यानी ये भी सेटिस्फाई हो ये भी सेटिस्फाई हो, यानी अगर हाफ से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं बच्चों आप, तो आपको जो फंक्शन है वो कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग इंक्लूडिंग हाफ। ओके, और इस केस में माइनस इन्फिनिटी से 0 और माइनस इन्फाइनाइट से माइनस हाफ, इसका भी कॉमन अगर आप देखें तो इसका कॉमन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ के बीच में रखते हैं तो भी आपका फंक्शन कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ, अच्छा यही पता करना है कि ये कंपोजिशन इंक्रीजिंग कब है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 से इन्फाइनाइट, जो गलत है, देखिए 0 से हाफ के बीच में डिक्रीज करेगा फंक्शन, माइनस 1 से माइनस हाफ ये इसमें आ रहा है, और हाफ से इन्फिनिटी, ओके तो ये ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है, ये वो रेंज है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। ओके ओके बच्चों, अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, तो इसको यहाँ लेते हैं, देखिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं साथ साथ। कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक आयरन बॉल है और इसका रेडियस है 10, और इसके ऊपर मान लो एच थिकनेस की एक आइस कोटेड है ऐसे, ठीक है, एक आइस की शीट बनी हुई है ऐसे, यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट एट अ रेट ऑफ 50 या सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए ना, क्योंकि ये वॉल्यूम कम होगा मेल्ट होने से। तो इसका जो वॉल्यूम है उसके लिए मुझे गिवन है कि डी वी बाई डी टी जो है वो है -50 सेंटीमीटर पर क्यूब की रेट से ये डिक्रीज हो रहा है ऐसे। व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 सेंटीमीटर देन रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेज, यानी ये जब एच का वैल्यू 5 होगा ना, उस केस में आपको बताना है डी एच बाई डी टी क्या होगा। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। तो V में रेट ऑफ चेंज गिवन है, H में रेट ऑफ चेंज निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता करो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड H। तो देख V क्या है, वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम है, तो उसका फॉर्मूला होगा 4/3, जस्ट अ मिनट, उसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई और R क्यूब, और R कितना, देखिए यहां से यहां तक का रेडियस जो है स्फीयर बॉल का ये हो गया 10+H, तो 10+h³। तो इफ यू फाइंड dv बाई डी टी फ्रॉम हियर देन यू गॉट dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 π 3 10+h² dh/dt। 3 से बच्चों 3 कैंसिल आउट हो गया है, वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस 50 दिया हुआ है अपने को, यहाँ हो गया 4 पाई और h का वैल्यू कितना लेना है 5, तो ये हो गया बच्चों 15 स्क्वायर। मैं थोड़ी देर के लिए 15 × 15 लिखता हूँ। ओके, और dh बाई डी टी
बस इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। कैसे आ जाएगी, देखो 5 से कैंसिल आउट कर दो, 3 टाइम 25 से कर दो, 3 9 टाइम हो गया ये, है ना, और ये हो गया 2 टाइम, और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, तो कुल मिला के dH by dt आया आपके पास -1/18π। तो डिक्रीज होगा 1/18π की स्पीड से, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए जल्दी से। इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा बीटा ऑन इट पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, देखो -1/3, ये बराबर होना चाहिए dy/dx के। ओके, dy/dx हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और वो देखिए कितना आ जाएगा, -1/3 = इसमें dy/dx आ जाएगा भाई, ऊपर x है नीचे x²-3 है, तो आप डिवीजन रूल लगा लीजिए यहाँ पे, x²-3² फिर x²-3 तो एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x एज इट इज और x²-3 का डिफरेंशिएशन 2x, करेक्ट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, -1/3 = ये हो गया, देखो ऊपर हो गया बच्चों -3 - x², ओके, नीचे यहाँ हो गया x²-3² अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहाँ से मुझे बेसिकली x का वैल्यू निकालना, और जब जो x आएगा वो अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, और फिर बीटा क्या है, बीटा अल्फा की वैल्यू है उस पॉइंट पे, तो उसको अल्फा को यहाँ पुट करके हम बीटा निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ऑप्शन चेक करते रहेंगे क्या है। तो आइए देखिए, ये माइनस तो कॉमन आगे कट गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाएगा, बनेगा x⁴ माइनस के 6x² प्लस के 9, इधर आ जाइए, यह आएगा यहाँ पे 9 + 3x², बड़ा आसान हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गए, ये इधर आएंगे तो आपको मिलेगा x²·x²-9 = 0, ठीक है बच्चों। तो क्या वैल्यू मिली यहाँ से हमें, यहाँ से देखो आपको मिल गया x² का वैल्यू, एक तो 0 मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे अल्फा को 0 तो नहीं लेना है, राइट। तो यहाँ से मुझे x की पॉसिबल वैल्यू मिलती है +3, तो अपने को वैल्यू मिली +3, और ये हो गया बच्चों आपके लिए अल्फा का वैल्यू। देखिए जब आप अल्फा को लेंगे +3 तो बीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ सेटिस्फाई करते हैं, बीटा वाई कोऑर्डिनेट है, तो दैट इज अल्फा अपॉन α²-3, सो दैट इज अल्फा, यानी कि 3 / α², 9 - 3, फाइनली यू गॉट 1/2। तो अगर आप अल्फा बीटा की पॉसिबिलिटीज जो है बच्चों को कुछ ऐसे है, इसको 3 लोगे तो ये हाफ आएगा, इसको -3 लोगे तो ये -½ आएगा। सारे ऑप्शन में मेरे पास मॉड लगा हुआ है, तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता मैं कौन सा ले रहा हूँ, कोई सा भी एक ले लो, तो प्लस वाला ही ले लेते हैं। और अब इसको चेक कर लो, आ जाओ पहले ऑप्शन में चेक करो, 6α कितना हो गया, 6 से गुणा करोगे 18 + ½ 1, कमाल है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। इफ एम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विद दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, 3, ओके, ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज करे, उसके लिए मिनिमम वैल्यू मुझे ढूंढनी है इनकी। पहले तो इस फंक्शन को देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाना है, f'x निकाल लो, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, √k - x² एज इट इज kx प्लस, अब की बार x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट का करेंगे, 1/2 √kx - x², और ऊपर बन जाएगा यहाँ पे k - 2x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 2√kx - x² को यहाँ रख लो, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, देखो तो आपको मिलेगा 2 × kx - x² प्लस, इस x को भी अंदर ले लें अगर, तो ये हो गया kx - 2x². कुछ कैंसिल वैंसिल हो सकता है क्या, नहीं यार ये तो ऐड हो गए, ठीक है। तो देखिए आगे क्या मिलता अपने को, चलो वही ऊपर, चलिए ये है ना, तो डिनोमिनेटर को तो पढ़ा रहने दीजिए ऐसे ही, न्यूमिनेटर को सॉल्व कीजिए, ऊपर क्या मिलता है देखिए, ये -2x² - 2x² मिला के हो गया -4x²
के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस के 2kx प्लस के kx, ये मिला के हो गया बच्चों प्लस के 3kx, है ना। इस न्यूमरेटर को थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, मतलब फैक्टर कर लेते हैं ताकि इसका साइन हम आसानी से एनालिसिस कर सकें, तो डिनोमिनेटर में तो यही है जो था, ठीक है। ऊपर आ जाओ, यहाँ से क्या कॉमन आता है, माइनस और कॉमन आता है x, क्या बच जाएगा 4x माइनस 3k। देखिए अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 0 और लेता हूँ 3k बाई 4 ऐसे, और मान लेता हूँ कि 3k बाई 4 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे मिलेगा, यहाँ साइन होगा इसका नेगेटिव। अगर आप x की वैल्यू से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मेथड ऑफ इंटरवल से ऐसा हम देख सकते हैं, तो ये इंक्रीजिंग होगा 0 से 3k बाई 4 में। अब आप चाहते हो कि ये इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से 3 में, तो इसका मतलब ये 0 तो 0 है ही, ये वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी 3k बाई 4 3 होना चाहिए, यानी बच्चों k का वैल्यू 4 होना चाहिए। जब आप k का वैल्यू 4 लोगे तो ये 0 से 3 में पक्का इंक्रीजिंग होगा, तो k का वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप देखिए 4 से ज़्यादा लेंगे ना तो ये वैल्यू 3 के आगे चली जाएगी, तो भी 0 से 3 में इंक्रीजिंग तो होगा, तो मिनिमम हम k का वैल्यू क्या लेंगे 4। तो ये जो वैल्यू है ये स्मॉल m है, यानी स्मॉल m का वैल्यू हो गया आपके पास 4, याद रखना इसको। फिर कैपिटल M क्या है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, तो ठीक है। अगर ये 0 से, अगर मैं k का वैल्यू 4 ले लेता हूँ देखो बच्चों, तो अपना फंक्शन जो है fx वो बन जाएगा x अंडर रूट 4x माइनस x स्क्वायर, और ये 0 से 3 में क्या है इंक्रीजिंग, तो 0 से 3 में इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, 3 पे आएगा, इंक्रीजिंग है तो लास्ट में आएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें f ऑफ 3 निकाल लो आप, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और वो कितना है 3 इंटू अंडर रूट 12 माइनस 9 यानी कि 3 रूट 3। अब आप ऑप्शन देख लो, 4 और 3 रूट 3 ये रहा, तो फोर्थ आंसर जो है अपना वो करेक्ट है। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या है जल्दी से। अ 2 मीटर लैडर लीन अगेन अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल पे ऐसे 2 मीटर की लैडर है ये, ठीक है, 2 मीटर बोले तो 200 सेंटीमीटर की हो गई है, ओके। इस लेंथ को मैं वाई मान लेता हूँ, इस लेंथ को एक्स मान लेता हूँ। अब देखिए मुझे गिवन क्या है, इफ द टॉप ऑफ द लैडर बिगिन टू स्लाइड डाउन द वॉल एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर, ये जो टॉप है ये नीचे आ रहा है, यानी dy बाई dt, इसमें जो रेट ऑफ चेंज है और ये डिक्रीज हो रहा है, देखिए ये माइनस 25 मुझे गिवन है, ओके। और फिर मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे dx बाई dt, और कब पूछ रहे हैं ये, देन द रेट एट विच द बॉटम ऑफ द लैडर स्लाइड अवे, यानी dx बाई dt निकालनी है ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द टॉप ऑफ द लैडर इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड, जब ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, इसका मतलब जब y का वैल्यू 100 है उस समय हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी है। आ जाइए इधर, सबसे पहले देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो रिलेशन बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200 स्क्वायर, ये है। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें ना तो वो कितनी आएगी, देखो अंडर रूट और 200 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से अगर हम dx बाई dt के लिए कैलकुलेट करना चाहें बच्चों, तो dx बाई dt देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा और आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो आपको मिलेगा देखो याद है, हाँ जी 1/2 अंडर रूट 200 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर साथ में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 2y और dy बाई dt, ये मिल गया। अब आप यहाँ पे सारी टर्म्स पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देखिए चलिए यहाँ आते हैं, बराबर में क्या आएगा, माइनस y का वैल्यू कितना है 100, dy बाई dt कितना है माइनस 25, ठीक है, नीचे हो गया अंडर रूट और 200 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर, देखो 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, तो ये हो गया, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 100 स्क्वायर, तो और 4 माइनस 3 तो रूट 3 और 100 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर से, ऐसे 100 से 100 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और 25 बाई रूट 3 ऐसा कुछ मिला आपको, तो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन 25 बाई रूट 3 है, ओके फर्स्ट ऑप्शन ही 25 बाई रूट 3 है, तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भाई, द फंक्शन एफ माइनस 7,0 बी अ कंटिन्यूअस इन दिस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस,
इफ एफ ऑफ माइनस सेवन इज थ्री, ओके ये क्वेश्चन है देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, ओके और कैसे है आइए देखिए। देखो फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस गिवन है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिटवीन माइनस सेवन एंड जीरो वेयर एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस सेवन डिवाइडेड बाय जीरो माइनस माइनस सेवन बराबर होगा एफ डैश सी के, ये मिल गया आप लोगों को, ओके। अब क्वेश्चन में मुझे एक चीज और गिवन है कि एफ डैश एक्स जो है ना वो हर हाल में कैसा है, दो या दो से छोटा है, तो दिस टर्म मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टू। तो अब इसको और इसको साथ में लेके अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, जस्ट अ मिनट, यहां पे एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ जीरो लाइज इन द इंटरवल, ओके एफ ऑफ माइनस वन, व्हाई दे आर टेकिंग माइनस वन हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट मे बी हियर मे बी सम करेक्शन, इट शुड बी माइनस सेवन, ओके आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों यहां से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया सेवन, इसको उधर ले जाओ तो आपको इधर मिलेगा फोर्टीन, और यहां हो गया एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस सेवन। तो ये जो वैल्यू है अपनी ये फोर्टीन से लेस है, ओके फॉर देन फॉर ऑल सच फंक्शन एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ जीरो लाइज इन द इंटरवल। अब बच्चों देखो इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू एफ ऑफ माइनस सेवन अपने को गिवन है माइनस थ्री, तो प्लस थ्री हो गया, इसको उधर ले जाके अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने को मिलेगा कि एफ ऑफ जीरो छोटा होगा इलेवन से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब अगर हम आगे बात करें तो अब मैं बात कर रहा हूं इंटरवल माइनस वन से माइनस सेवन से माइनस वन के बारे में, तो जाहिर सी बात है इस पूरे इंटरवल में भी एलएमबीटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, नाम रख देते हैं उसका अल्फा, बिटवीन दिस एंड दिस वेयर एफ डैश अल्फा किसके बराबर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस वन माइनस एफ ऑफ माइनस सेवन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस ऑफ माइनस सेवन, ओके। और एफ डैश अल्फा भी भैया कैसा होगा, देखो दो या दो से छोटा होगा, सेम यही कंडीशन हम यहां लगा देंगे तो आपको मिलेगा कि ये टर्म भी कैसी होनी चाहिए, दो या दो से छोटी होनी चाहिए। अब देखो एफ ऑफ माइनस वन प्लस थ्री हो गया, ये सिक्स हो गया, इसको सामने ले जाओगे तो ये हो गया ट्वेल्व, तो आपको मिला कि एफ ऑफ माइनस वन छोटा होना चाहिए बच्चों नाइन से, तो ये नाइन से छोटा होना चाहिए, ये इलेवन से छोटा होना चाहिए, तो अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो कैसा होगा ट्वेंटी से लेस, तो आपका फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा माइनस वन से ट्वेंटी। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज कोटेड विद द लेयर ऑफ आइस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, ओके ये गिवन है और डी वाई बाई डी अल्फा आपको निकालना है, देखो सारा खेल इसको सॉल्व करने का है, देखो इस टर्म को ध्यान से देखो क्या है, ये अंडर रूट है ना टू, ये जो कॉट अल्फा बच्चों अगर इसको वन बाई टेन अल्फा लिख लें हम, सही है वन बाई टेन अल्फा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और आपको मिलेगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन, और नीचे भी वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा वन बाई टेन अल्फा और प्लस वन बाई साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया अपना वाई, ठीक है समझते जाइएगा इसको ध्यानपूर्वक देखिए बराबर में। अब ये हो गया टू कॉट अल्फा ऐसे, और ये क्या है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन, और अब ध्यान दीजिए ये कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉट अल्फा प्लस वन, ये कॉट अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, यानी ये बन गया मॉड ऑफ कॉट अल्फा प्लस वन, ऐसे बन गया। अब इस मॉड को रिमूव करने के लिए हम ये देखते हैं कि अल्फा कहाँ से कहाँ तक दिया हो, मुझे माइनस थ्री पाई बाई फोर से पाई में दिया हुआ है, आपने अगर ग्राफ देखा हो कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, सही है तो ये थ्री पाई बाई फोर से पाई के बीच में इसकी वैल्यू माइनस वन से कम होती है, यानी कॉट अल्फा लेस देन होता है माइनस वन से, तो उसको इधर ले आओ तो कॉट अल्फा प्लस वन ये कैसी क्वांटिटी है नेगेटिव, तो मॉड हटाओगे तो माइनस का साइन मिलेगा आपको, तो ये अपना फंक्शन ऐसा हो गया। अब अगर बच्चों मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ डी वाई बाई डी अल्फा निकालूँ तो देखो माइनस तो अपनी जगह है ही, कॉट अल्फा का होता माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा,
तो मिला के ये प्लस का कोसेक स्क्वायर अल्फा आपको मिल जाएगा। अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है, 5π/6 में, 5π/6 आप इसमें डाल दो, कोसेक 5π/6 का वैल्यू होता है 2, सही है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। fx be a polynomial of degree 5 such that x बराबर प्लस माइनस 1 आर इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है मतलब इन दोनों पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी और लिमिट दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके आइए देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं ताकि कुछ जगह हमें मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसके दो क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा देखिए यहां से मुझे क्या पता चलता है, यहां से हमें यह पता लगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो fx अपॉन एक्स क्यूब जो है वो 2 होना चाहिए। अब एक जनरल 5 डिग्री फंक्शन लेकर के अगर मैं उसको एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूं देखो तो मुझे ऐसे मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जैसे एक्स पावर 5 आएगा उसमें पहला टर्म a इंटू एक्स पावर 5 है ना, क्यूब से डिवाइड होगा तो स्क्वायर बच जाएगा, फिर b इंटू एक्स पावर 4 वाला टर्म ऐसे बनेगा प्लस c प्लस d अपॉन एक्स प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस f अपॉन एक्स क्यूब, इस तरह से बनेगा अगर मैं एक जनरल पॉलिनोमियल ले लूँ। आप देखिए ये जो टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही है जबकि अपना आंसर बोल रहा है कि 2 आना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब d का वैल्यू e का वैल्यू f का वैल्यू 0 है ना और c का वैल्यू 2 हो जाए, और ये तो कुछ भी हो सकता है x टेंस टू 0 पे तो 0 बनेगा। यानी इन सब बातों को ध्यान में रखते मुझे पता चलता है कि जो fx है वो ऐसा होना चाहिए a इंटू एक्स पावर 5 b इंटू एक्स पावर 4 और 2x क्यूब, और इसके आगे कोई टर्म नहीं होगी क्योंकि वो जो टर्म्स होगी उनके कोफिशियंट d e f 0 होने चाहिए, तो ये मिला। अब अगर मैं f डैश x निकालूं देखो तो मुझे कितना मिलता है 5 और x पावर 4 a प्लस 4x क्यूब b और 6x स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आता बच्चों x स्क्वायर बच जाता है देखो 5ax स्क्वायर प्लस 4x b प्लस 6। अब हमें दिया ना माइनस 1 और 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट है, यानी माइनस 1 और 1 इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक को माइनस 1 और 1 सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि ये 0 होना चाहिए माइनस 1 और 1 पुट करने पर। पुट कर दो देखो आपको मिलेगा 1 पुट करने पे 4a ऐसा कुछ मिलेगा 5a प्लस 4b प्लस 6 बराबर 0, माइनस 1 पुट करोगे 5a माइनस 4b प्लस 6 बराबर 0, इससे आपको बच्चों b का वैल्यू मिल गया 0 और a का वैल्यू मिल गया माइनस 6/5। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख लूँ अगर मैं तो fx बन जाता है माइनस 6/5 एक्स पावर 5 प्लस 2x क्यूब। तो ये फंक्शन है, अब हम सारे ऑप्शन का जवाब दे देते हैं देखो। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन इस तरह से है कि ये एक ऑड फंक्शन है, तो बिल्कुल ये एक ऑड फंक्शन ही है, दैट्स ऑल, वो सिंगल चॉइस सवाल, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पता लग गया कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ सी इन द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। ओके 0 से 1 में तो आपको याद है क्या कंडीशन होगी, एफ डैश सी बराबर होना चाहिए एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 1 - 0 के। ओके तो चलिए सी पे बात करते हैं, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो 3c² - 8c + 8 दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ वन, कितना है एफ वन आएगा देखो 11 और ये मिला के हो जाएगा 1 पुट करने पे 4, तो 15 और 1 कितना हो गया 16 - 11 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये हो गया बच्चों 5, तो आपको मिला 3c² - 8c + 3 = 0। इसके दो फैक्टर कर लो जल्दी से, 3c और c और 3 और 1 और माइनस माइनस और प्लस, तो c का वैल्यू आया, आई होप कैलकुलेशन ठीक है ना अपनी, ये माइनस का आना चाहिए 8c, तो इसको जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 9c। ओके यहाँ कैलकुलेटिव एरर हो गया अभी थोड़ा सा ना, इसको सुधार लेता हूँ मैं, और ये एरर कैसे जनरेट हो गई यहाँ पे हमारे पास, अच्छा फैक्टर गलत कर रहे हैं इसके, श्रीधराचार्य अप्लाई कर दो, सी बराबर देखो क्या आएगा, सी बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस 4ac यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 3। तो आई थिंक 2 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसा बनेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 को अंदर ले जाओगे 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो हो गया 16 माइनस 9 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 3। ये दो रूट आएंगे। अब इसमें से वो रूट कौन सा है जो 0 और 1 के बीच में आता है? तो आप देखिए 4 प्लस रूट 7 लोगे तो 1 से आगे निकल जाएगा, तो 4 माइनस रूट 7 ही वो रूट है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है, 4 माइनस रूट 7 बाय 3। ओके बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखो कुछ इस तरह से आपको गिवन है, fx बराबर है दिस, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ओके तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और इधर आइए। देखो बच्चों, पहले तो इस माइनस से निपटता हूँ मैं, और इस fx को हम ऐसे लिख देते हैं, fx इक्वल टू x एंड पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन मॉड x, करेक्ट। और अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये पाई अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह, इस कॉस इनवर्स को लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन मॉड x। अब यहाँ ये जो मॉड x है बच्चों, 0 से पाई बाय 2 में होगा, जो साइन का प्रिंसिपल रेंज है, तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करने पे आपको fx बराबर मिला x इंटू पाई माइनस पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 और प्लस मॉड x, ठीक है। मॉड हटाने के लिए मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा एक्स पाई बाय 2 और प्लस एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स बड़ा है या बराबर है जीरो के, जब एक्स जीरो से छोटा है तो ये बन जाएगा एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन है अपना एफ एक्स जिसके बारे में अब हमको बात करनी है। तो पहला है कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे, डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं हम। तो बिल्कुल होगा, ये देखिए दोनों का ही डेरिवेटिव जो है, इधर से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे पाई बाय 2 आएगा LHD, इधर से डिफरेंशिएट करेंगे तो भी पाई बाय 2 आएगा, है ना, तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा। तो इसका मतलब ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है एफ डैश 0 माइनस पाई बाय 2 आएगा जबकि वो प्लस पाई बाय 2 आ रहा है। अब इन दोनों में से एक सही है। तो ये देखने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमें क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, एफ डैश एक्स आ जाएगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2x, और ये वाला हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2x माइनस 2x। ये तो कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। ओके चलिए जी, तो भाई देखिए अगर x पॉजिटिव है बच्चों तो ये पार्ट एंटायरली पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन अपना कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स 0 से पाई बाय 2 में बात कर रहे हैं हम, तो 0 से पाई बाय 2 में फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अच्छा ये तो एफ डैश एक्स है, हमें एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाना है, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा भाई। तो अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूं तो वो देखिए इस केस में 2 हो जाएगा, इस केस में माइनस 2 हो जाएगा। तो जब x पॉजिटिव है और जब x नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइड में कैसा होगा, इंक्रीजिंग, नेगेटिव साइड में होगा डिक्रीजिंग, यानी थर्ड ऑप्शन सही है, एफ डैश डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में, इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 32, एट द नॉर्मल एट द पॉइंट। ओके तो मैं इस पर एक पॉइंट मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ कि पॉइंट है अल्फा और बीटा ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है भाई, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी आपको ऐसा मिलेगा कि 3 अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 10, एक रिलेशन ये हो गया हमारे पास। अभी अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल बनाने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखिए dy बाई dx अगर हम निकालें यहाँ से, तो वो कितना होगा, तो यहाँ में इम्प्लिसिट फंक्शन का जो अपना फंडा है वो काम में ले रहा हूँ, कौन सा कि माइनस, और यह आएगा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा माइनस का 6x, और नीचे आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y यानी 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये मिला अपने को, ये है dy बाई dx। ओके और अगर इस पॉइंट पे निकालें तो ये हो जाएगा 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बीटा प्लस 1। अब मैं आता हूँ इधर, नॉर्मल देखिए, ये कह रहा है नॉर्मल लिखो, तो नॉर्मल हो गया वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का हो जाएगा माइनस 2 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा।
और ये नॉर्मल पास होना चाहिए 0.3/2 से, तो इसमें x की जगह 0 डाल दो और y की जगह 3/2 पुट कर दो यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये 0 हो गया तो ये माइनस अल्फा माइनस प्लस हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 6 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 9 - 6β = 2β + 1, ये मिला आपको कुछ, यानी 8β = 8, तो बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई 1। बीटा की वैल्यू 1 आप यहाँ पुट कर दो और अल्फा निकाल लो तो ये कितना हो गया 10, 11, 12, 12/3, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ±2। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। पता क्या करना है मुझे, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी ये पता करना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो ये, तो देखो कितना आएगा, 2 पुट करोगे तो यह आएगा ±12/2+1 यानी 3, तो ये हो गया बच्चों ±4। ओके, मॉड लेना है इसका तो मॉड ले लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 2, 2, तो 2, 2 पे पहले इसका नॉर्मल लिखना है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम पता लगाते हैं इसका dy/dx क्या है। तो dy/dx चूंकि यहां भी कौन सा फंक्शन है, ये देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो वही फंडा लगा देते हैं माइनस, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा 2x + 2y। नीचे आएगा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2x - 6y, ये हो गया। थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो -x + y / x - 3y, ये है dy/dx। इसके किसी भी पॉइंट पे निकाले, 2, 2 पे निकालना है तो एट 2, 2 कितना हो गया, ये हो गया dy/dx = -2×2=4 - 6 - 4, तो कुल मिला के आ गया 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है ना, वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा बच्चों -1, यानी उसकी इक्वेशन होनी चाहिए ये, और बराबर में 0 आ जाएगा क्योंकि 2, 2 से पास होता है ये, कुछ गड़बड़ हो गई ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होना चाहिए, तो x + 1 और बराबर में आएगा बच्चों 4। तो इसकी अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी होगी, 4/√2 यानी कि 2√2, तो आपका आंसर है 2√2। सेकेंड आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन 0 to 1 विच आर कंटिन्यूस इन 0 to 1 एंड डिफरेंशियबल दिस डिपेंडिंग ऑन सच दैट। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफ़ी डेटा एरर थी और इस वजह से ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बोनस किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये बोनस हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट। देखिए fx कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, सुनना ध्यान से, ये है 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल fx। तो f'x क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2nd डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी f"x क्या होगा भाई, 1st डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर फंक्शन होगा। अब यहाँ देखो एक ध्यान देने वाली बात क्या है, ये पढ़ो, f'x हैज ए क्रिटिकल पॉइंट एट x = 1। f' का क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे f"0 होता है, तो ये f" कहाँ 0 होता है, 1 पे। तो क्या मैं इसको ऐसे अज्यूम कर लूँ कि ये x - 1 है और साथ में कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे a, ऐसा करके चलेंगे इजीली, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ये f" है तो फिर f' हो गया इसका इंटीग्रेशन यानी कि a/2 और x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में कोई कांस्टेंट आ सकता है ना, वो कांस्टेंट क्या होगा, देखो वो कैसे पता लगाएं, उसके लिए भी कुछ दिया होगा, दिया ना, देखो fx हैज ए क्रिटिकल पॉइंट एट x = -1, तो -1 पे 0 होना चाहिए, इसमें -1 डालो तो -2 का स्क्वायर हो गया ये, तो कितना हो गया ये, सही तो है ना, fx हैज ए क्रिटिकल पॉइंट एट x = -1। तो मैं एक बार इसको ना c लिख देता हूँ, चलिए, तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा c में और a में, और क्या मिलेगा, इफ़ यू पुट -1 हियर, -1 का -2 हो गया तो -2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 2a + c 0 होना चाहिए, ये एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो ये आ जाएगा, कितना आएगा देखो, a/2 और x - 1 का क्यूब / 3 + cx और + d। आप चाहे ना तो c को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, -2a, वो यहाँ डाल देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, फिर a की अननोन बचेगा हमारे पास, तो ये आएगा +c = 0, और हमें कंडीशन से मिल गया था कि 2a + c 0 होना चाहिए,
तो सी का वैल्यू आ गया माइनस टू ए और एक्स, और प्लस में एक और कांस्टेंट ले लेते हैं डी बराबर जीरो। अब मुझे ए और डी निकालना, तो दो कंडीशन चाहिए, तो देखो दो कंडीशन दी हुई है ना, एफ ऑफ वन माइनस सिक्स होना चाहिए, एफ ऑफ वन पुट करो ये कैंसिल हो गया, आपको मिला माइनस टू ए प्लस डी, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस सिक्स। एफ ऑफ माइनस वन दस होना चाहिए, माइनस वन डालो तो ये हो गया माइनस टू का क्यूब माइनस एट, इससे डिवाइड करोगे तो माइनस फोर ए बाई थ्री। ठीक है भाई, यहाँ माइनस वन डालो प्लस का टू ए, ठीक है, और प्लस का डी बराबर कितना होना चाहिए टेन, ये हो गया। ठीक है बच्चों, देखो सीधे सीधे यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा देखो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये आएगा माइनस का फोर ए बाई थ्री और प्लस का फोर ए, डी से डी कैंसिल हो गया और दस और छः सोलह हो गए सामने, तो ये हो गया बच्चों। देखो फोर को कैंसिल आउट कर दो ऐसे, इधर फोर हो गया तो ए में से ए बाई थ्री घटाओगे तो आएगा टू ए बाई थ्री, टू ए बाई थ्री का वैल्यू है फोर, तो ए का वैल्यू हो गया फोर इंटू थ्री बाई टू बोले तो सिक्स, ए का वैल्यू सिक्स वहां पुट कर दो तो ये हो गया, डी का वैल्यू भी हो गया सिक्स, सही है। और इस तरह से अपना फाइनली ये फंक्शन आ गया, कितना आ गया देखो, एफ एक्स बराबर आ गया, ए का वैल्यू सिक्स पुट करोगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स माइनस वन का क्यूब, ठीक है, माइनस ट्वेल्व एक्स और प्लस का सिक्स, ये है एफ एक्स। पता क्या करना है, स्थानीय निम्निष्ठ यानी कि लोकल मिनिमा इसका पता करना है, यही क्वेश्चन है ना, देन एफ एक्स इज अ लोकल मिनिमा एट, ठीक है। तो लोकल मिनिमा निकालने के लिए अपन एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं जल्दी से, तो एफ डैश एक्स हो गया थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वायर और माइनस का ट्वेल्व, ओके। और भाई अब ये टर्म जीरो कब होगी ये देखो जल्दी से, तो ये जीरो होगी जब एक्स माइनस वन का स्क्वायर का वैल्यू होगा फोर, यानी एक्स माइनस वन बराबर हुआ प्लस टू और माइनस टू, यानी जब एक्स का वैल्यू होगा थ्री और माइनस वन, ओके। और अगर आप इसका ग्राफ देखें, मतलब डेरिवेटिव के साइन की अगर हम बात करें या सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा ना, एफ डबल डैश एक्स अगर आप देखें तो वो कितना आएगा यहाँ पे, सिक्स टाइम एक्स माइनस वन, तो थ्री पुट करने पर आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है तो ये मिनिमा देगा आपको, पॉजिटिव आ रहा है तो दिस विल गिव मिनिमा, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पे आपको मिनिमा मिल जाएगा। ये था बच्चों डिस्कशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शीट का, नेक्स्ट शीट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टिल देन गुड बाय।